ऐसे तो हमने काफ़ी सारी बातें आपको बता रखी है एसटी लाइन के बारे में, ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, कि कैसे ये बिजली को जनरेटिंग स्टेशन से आपके घरों तक पहुंचा रहा होता है। हमने कंडक्टर के बारे में बात किया कि कौन सी कंडक्टर यूज़ कर रहे होते हैं, इंसुलेटर क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, कितना इंसुलेटर यूज़ करना है। इन सब के अलावा भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डिवाइस, छोटे छोटे उपकरण जो है आपके ट्रांसमिशन लाइन में देखने मिल जाएगा, जिसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो लाखों करोड़ों का प्रॉपर्टी जो है बचा रहा होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज के छोटे से वीडियो में बात करने वाले हैं कि भैया इसे क्यों हम यूज़ कर रहे होते हैं और ये किस तरीके से काम करता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं कि इंसुलेटर के दोनों ही तरफ जो है दो कंडक्टर आपको दिख रहा होता है, इसे हम आर्किंग हॉर्न कह रहे होते हैं। अब हॉर्न इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि इसका शेप जो है वो हॉर्न की तरह होता है। ये जो है आपके इंसुलेटर को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, उसे डैमेज होने से बचा रहा होता है। और सिर्फ इंसुलेटर को ही नहीं, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये कंडक्टर को, ट्रांसफार्मर को, इस ट्रांसमिशन लाइन से जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कनेक्टेड है उन सबको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो इंसुलेटर हम यूज़ कर रहे होते हैं ये वोल्टेज के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर 11 केवी का वोल्टेज है तो यहाँ पे एक डिस्क हम यूज़ कर रहे होंगे या दो डिस्क यूज़ कर रहे होंगे, और अगर 33 का है तो उससे ज़्यादा होगा, 66 का है तो उससे ज़्यादा डिस्क यहाँ पे देखने मिलेगा, और 400 केवी का अगर लाइन होगा तो और भी ज़्यादा जो है आपको डिस्क देखने मिलेगा। यानी कि वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो है हमारा इंसुलेटर जो है बढ़ता चला जाता है, और वोल्टेज जैसे जैसे हम कम करेंगे तो जो है नंबर ऑफ डिस्क जो है कम होता जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 400 केवी में सिर्फ एक दो डिस्क यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा और जो भी आपका करंट है वो इंसुलेटर से फ्लो होते हुए, टावर से फ्लो होते हुए ग्राउंड हो जाएगा, यानी कि लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आपको देखने मिलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जितना वोल्टेज है उसके ही हिसाब से जो है आपका इंसुलेटर होना चाहिए। पर कई बार क्या होता है कि आपको सिस्टम में जो है ट्रांजिएंट वोल्टेज देखने मिलता है, यानी कि बहुत कम समय के लिए अचानक से बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाता है। अब इतने कम वक्त के लिए इतना ज़्यादा वोल्टेज आने के मुख्य दो तीन कारण होते हैं। सबसे पहला कि अगर मान लीजिए लाइटनिंग जो है, बिजली डायरेक्टली आपके कंडक्टर में गिर जाता है तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज जो है राइज हो जाता है। अब ज़रूरी भी नहीं है कि हमेशा आपको बिजली गिरना ही होगा, कई बार जो है बादल में सिर्फ गरजता है तो उस वक्त भी जो है बहुत ही हाई वोल्टेज जो है आपको ट्रांसमिशन लाइन में देखने मिलता है। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, यार कैसे? तो आपको बता दें कि बादल गरजने का मतलब क्या होता है। देखिए, क्या होता है कि क्लाउड में जब स्टैटिक चार्ज एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में जब डिस्चार्ज हो रहा होता है, यानी कि चार्ज मूव कर रहा होता है, और मूव करता हुआ चार्ज को ही तो हम करंट कह रहे होते हैं। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि जब बादल गरजता है तो उस समय बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड वाला करंट जो है फ्लो हो रहा होता है, और जब भी करंट फ्लो होगा तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और यही मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके इस ट्रांसमिशन लाइन वाली कंडक्टर में वोल्टेज को इंड्यूस करता है, बहुत हाई वोल्टेज इंड्यूस करता है, और इसे हाई वोल्टेज की वजह से जो है हाई करंट भी जो है इंड्यूस होता है। अब मान लीजिए ये जो हाई वोल्टेज हाई करंट है, हालांकि होता बहुत कम वक्त के लिए है, पर ये आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है। ये जो इंसुलेटर है जो आपने 400 केवी के लिए डिज़ाइन किया है, बट अचानक से जो है 1,00,000 वोल्ट बढ़ गया, तो ये तो पंचर हो सकता है, इसका ब्रेक डाउन हो सकता है, इंसुलेशन फेलियर हो सकता है। तो इसी वजह से जो है ये जो आर्क हॉर्न है वो करता क्या है कि जैसे ही ये वोल्टेज आता है तो इस दो कंडक्टर का बीच का जो एयर है वो आयोनाइज हो जाता है, यानी कि इसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है। पहले ये इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं कर रहा था, हवा से आपका करंट फ्लो नहीं हो सकता है, बट इतना हाई वोल्टेज आने के वजह से एयर की जो ये रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी है कि करंट को फ्लो होने नहीं देंगे, वो ख़त्म हो जाता है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, और हवा से भी जो है आपको करंट फ्लो होता हुआ दिखता है चिंगाड़ी के फॉर्म में। तो जितना एक्स्ट्रा वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है, ये जो सर्ज वोल्टेज है, सर्ज करंट है, यहाँ से फ्लो होते हुए जो है आपका ग्राउंड हो जाता है, क्योंकि इसका एक कंडक्टर जो है ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड होता है, और दूसरा जो ये कंडक्टर देख रहे हैं वो टावर से कनेक्टेड होता है, और ये जो टावर है वो ग्राउंड होता है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि एक कंडक्टर जो है आपके ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड है जहाँ से करंट आपका फ्लो हो रहा होता है, और दूसरा जो कंडक्टर है वो ग्राउंड होता है, जीरो पोटेंशियल पे होता है। और इसी इंसुलेटर के थोड़ा आगे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे छोटा सा डिवाइस आपको दिख रहा होगा, इसे हम डैम्पर कह रहे होते हैं। हालांकि साइज में तो ये छोटा है, बट इसका काम जो है काफ़ी बड़ा है। ये इतनी बड़ी कंडक्टर को, इतना बड़ा वायर को जो है टूटने से बचा रहा होता है। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई कैसे? हवा के वजह से, विंड के वजह से जो आपका कंडक्टर है, जो वायर है, वो वाइब्रेट करने लगता है, हिलने लगता है।
तो इसी वाइब्रेशन को ये जो डैम्पर है वो कम कर रहा होता है, उसे रिड्यूस कर रहा होता है। अब सवाल है कैसे? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि भाई एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, ना ही उसको बनाई जा सकती है ना ही उसको ख़त्म की जा सकती है। तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई बिजली तो हम बनाते हैं। तो देखिए, बिजली भी बनाई नहीं जाती है। बिजली क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसको भी हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं, वो भी मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। बट जितना एनर्जी हमारे पास है इस यूनिवर्स में वो कांस्टेंट है, सिर्फ उसका जो फॉर्म है वो बदलता रहता है। कभी इलेक्ट्रिकल को हम मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, कभी मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, कभी यही इलेक्ट्रिकल जो है आपको विंड एनर्जी दे रहा होता है, कभी विंड जो है वाइब्रेशनल एनर्जी दे रहा होता है। तो ये सब जो है ना कन्वर्ट हो रहा होता है, कभी बनता नहीं है। तो इस विंड की वजह से जब वाइब्रेशनल एनर्जी क्रिएट हो रहा होता है, तो इसे रिड्यूस करने के लिए, यानी कि इस वाइब्रेशन को कम करने के लिए, इस एनर्जी को, यानी कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी आपकी कंडक्टर को मिला है, उस एनर्जी को कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो ये डैम्पर वही काम कर रहा होता है। ये डैम्पर क्या बोलता है हमारे कंडक्टर के, भैया तुम मत हिलो, मैं हिल लेता हूँ। क्योंकि इस डैम्पर में जो हम कंडक्टर यूज़ कर रहे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और उसके दोनों ही एंड में जो है हम हल्का वेट दे देते हैं, हॉलो वेट देते हैं। तब कि एक बार आपको नॉर्मल कंडक्टर जब हिलता है तो ये दो तीन बार हिलने लगता है, दो तीन बार वाइब्रेट करता है। तो इससे होता क्या है, इस कंडक्टर को हम स्टील से बना रहे होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल स्टैंड होता है, पतला पतला जो है मल्टीपल वायर होता है, मोरा हुआ रहता है। और जब ये बहुत ही स्पीड में वाइब्रेट कर रहा होता है तो इस मल्टीपल स्टैंड के बीच में जो छोटे छोटे पतले पतले कंडक्टर होते हैं उनके बीच में जो है घिसरन पैदा होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, उससे बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है, गर्मी पैदा होता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो ये वाइब्रेशनल एनर्जी था वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है, यानी कि हीट में कन्वर्ट कर दिया। तो कहने का मतलब ये था कि जो इसे विंड से जो आपका वाइब्रेशनल इंड्यूस होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी से मिलता है, उसे इसे डैम्पर ने हीट में कन्वर्ट कर दिया, डिसिपेट कर दिया, बदल दिया। तो ऐसे जो है ये वाइब्रेशन को कम कर रहा होता है। तो अब ये जो डैम्पर है स्पेसिफिकली, इसे हम स्टॉक ब्रिज डैम्पर कह रहे होते हैं। डैम्पर भी आपके कई प्रकार के आते हैं। एक जो है स्पेशल डैम्पर होता है, तो स्पेशल डैम्पर कुछ इस प्रकार का दिख रहा होता है। इसे हम अक्सर जो है बंडल कंडक्टर में यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पे एक ही फेज़ के लिए मल्टीपल वायर भेज रहे होते हैं। ये जनरली एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, जो बहुत ज़्यादा वोल्टेज में जब आप बिजली को भेज रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक ही फेज़ के लिए मल्टीपल कंडक्टर हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे इस तरह का जो डैम्पर है, स्पेशल डैम्पर हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये दो काम कर रहा होता है। तो सबसे पहला, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्पेसर, तो ये स्पेस बनाए रखता है इस बंडल कंडक्टर के बीच में, कि ये आपस में टच ना हो जाए। और जैसा कि इसका स्पेसर डैम्पर नाम है, तो ये डैम्पर का भी काम कर रहा होता है, वाइब्रेशन भी जो है रिड्यूस कर रहा होता है। तो ये तो समझ में आ गया कि कैसे ये डैम्पर जो है आपके वाइब्रेशन को कम कर रहा होता है और कंडक्टर को टूटने से बचा रहा होता है। बट फिर भी मान लीजिए कि आपका कंडक्टर टूट जाए तो क्या क्या हो सकता है, इस वाले वीडियो में जो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है। तो इसे क्लिक करके जो आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। और अगर आपको ये जानना है कि भैया कितना इंसुलेटर हम यूज कर रहे होते हैं वोल्टेज के हिसाब से, तो राइट वाले वीडियो क्लिक करके जो है सारी ज्ञान ले सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।